नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो प्रोग्रामिंग। जी हाँ, VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग का पहला चैप्टर है माइक्रो प्रोग्रामिंग, आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और जूम ऐप पे मेरे साथ तकरीबन तीन लोग हैं, विश्वेश्वर साहू जी, प्रवीण जी एंड सुरेंद्र जी, जिनके साथ हम एक क्लास आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप लोग भी चाहो तो मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। iptindia.com पे जाइए और डेमो क्लास का फॉर्म भर दीजिए और आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। इस वीडियो के नीचे लिंक में मेरा मोबाइल ऐप का लिंक डाला हुआ है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में। उसके बाद अगर आप प्ले इस पे जाते हैं, प्ले स्टोर पे जाते हैं, तो आप एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग सर्च कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मेरे ऐप के अंदर में बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं उनकी फीचर्स बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले तो इसमें आपको मिलता है फ्री वीडियो मटेरियल। डेली बेसिस पे मैं कुछ फ्री वीडियो इसमें डालते रहता हूँ, मेरे स्टडी मटेरियल में आ गए आप यहाँ पे, तो बहुत सारे वीडियोज जो है फ्री में यहाँ पे डलते रहते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। बहुत ही ट्रिकी वीडियोज वगैरह है जिसको यूट्यूब पे मोस्टली नहीं भी डालते हैं। उसके बाद चैट सेक्शन है, चैट सेक्शंस में आप मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो सकते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी सवाल है, आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। और यहाँ MIS के ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा, तो क्या होगा कि आप इसमें जॉब्स की अपडेट वगैरह डेली बेसिस पे, मैं इस पे जो भी वैकेंसीज मेरे पास आती है वो वैकेंसीज मैं यहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ, अलग अलग सिटी अलग अलग लोकेशंस की, तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाते हैं, तो स्टोर सेक्शन में आपको जो है मेरे कोर्सेज दिखते हैं। देखिए, यूट्यूब पे जो वीडियो डली हुई है वो सिक्वेंसली नहीं डली हुई है, वो सारे वीडियो जो है माने प्रोमो वीडियोज है या प्रमोशनल वीडियोज है कह सकते हैं, बट यहाँ सिक्वेंसली सारे वीडियोज मिलते हैं, एक्सेल की, सिक्वल की, एक्सेल एमआईएस की, एमएस वर्ड की, सारी वीडियो जो है आपको कंप्लीट कोर्स की, फास्ट ट्रैक कोर्स की, आपको यहाँ पे वीडियोज मिलती है जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो बराबर मेरे ऐप को डाउनलोड करें और चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और मैं अनम्यूट किया और स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो चलिए अब विश्वेश्वर राव जी, प्रवीण जी एंड सुरेंद्र जी, शुरू करते हैं आज की सेशन। आज का सेशन हमारा है रिकॉर्डिंग माइक्रो के ऊपर। जी हाँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग का ही परमिशन दे देता हूँ। रिकॉर्डिंग माइक्रो आखिर होता क्या है, पहली चीज को जानते हैं। रिकॉर्डिंग माइक्रो, हमने बताया कि आप जो माउस इवेंट करते हो उसको कोड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, एक बार मैं उसको समझाता हूँ कि लास्ट क्लास में समझाया था मैं आपको कि रिकॉर्डिंग माइक्रो वो होता है जो किसी भी माउस एक्शन को, माउस इवेंट को कन्वर्ट कर देता है आपकी किसमें, आपकी कोड में। तो इसका बेनिफिट क्या है, इसके बेसिस दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है कि इसको आप एज ए डिक्शनरी यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर जस्ट सेल मर्ज करना है और इसकी कोड आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और रिकॉर्ड मैक्रो को आप यहां से भी रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू किया और आपने मर्ज पे क्लिक कर दिया, फिर रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए और डेवलपर टैब में जाएंगे और यहां इसकी कोड को एडिट में क्लिक करके देख सकते हैं कि मर्ज करने का क्या कोड है, राइट। इसको एज ए डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, ये आपको लर्निंग में बहुत ज्यादा, लर्निंग पीरियड में बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। हमने आपको क्या बोला कि VVA रिकॉर्डिंग माइक्रो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करती है, VVA, समझ गया ना। जो रिकॉर्ड करेंगे तो मिलेगा, तो इसी में से आपको अपना कोड ढूंढना है ना, आप
सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है, आप शायद इसको पढ़े नहीं, पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या है। देखिए इसी क्या क्या है कि सिलेक्शन, क्योंकि हमने एरिया सिलेक्ट कर रखा था, डॉट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, डॉट वर्टिकल अलाइनमेंट, रैप टेक्स ओरिएंटेशन, और यह रहा मर्ज मर्ज है। ठीक है, समझ से आपको ये बाकी को डिलीट कर दीजिए, मर्ज से लग दीजिए, ये सिलेक्शन डॉट मर्ज, माफ कीजिएगा सिलेक्शन डॉट मर्ज, हो गया सर, छोटा कोड हो गया। चलिए डिक्शनरी की तरह यूज कर सकते हैं इसको आप। दूसरा आता है कि अगर जब मैं सीख जाऊंगा तब क्या फायदा होगा इसका, जैसे मैं मेरी बात करते क्या मैं रिकॉर्डिंग माइक को यूज करता, जी हाँ मैं रिकॉर्डिंग माइक्रो यूज करता, तो किस चीज के लिए यूज करता हूं, तो बहुत सारा कोड लिखने से बचने के लिए। अब इसलिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, मैं एक छोटा सा डेटा लेता हूं, इसी डेटा को लिया, अब मुझे क्या करना है कि हमें एक माइक्रो बनाना है, माइक्रो बनाना है कि हम नेम वाइज डेटा को अलग कर सके, अलग फाइल। हमें क्या होता है कि मान लो कविता ने कॉल करके पूछा कि सर मेरा डेटा भेज दीजिए, तो मुझे सिर्फ कविता का डेटा भेजना है मेल पे, लेकिन यहां तो पूरा ओवरऑल डेटा है, तो मुझे सिर्फ कविता का डेटा भेजना है, क्या करें इसके लिए, इसके लिए हम यहाँ माइक्रो इसमें रिकॉर्ड माइक्रो में जाएंगे, माइक्रो को रिकॉर्ड करते हैं, और माइक्रो रिकॉर्ड करने के बाद जो भी इवेंट करेंगे आपको जो जरूरत है उसी को कीजिएगा, अननेसेसरी कहीं पे क्लिक करना, अननेसेसरी कहीं पे जाना, ये सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिल्टर यहाँ पे जाते हैं, फिल्टर लगाते हैं नेम के ऊपर कविता, इसको हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो राइट एरो को किया, उसके बाद हम जाते हैं, क्योंकि एक चीज और, हाँ जब भी आप सिलेक्शन करते हैं तो माउस से सिलेक्शन ना करें, सिलेक्शन करें यहां स्पेशल इसमें कंट्रोल शिफ्ट से, और जब फिल्टर पे यूज कर रहे हो तो सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन डेटा कॉपी करने से पहले आप यहां पे विजुअल सेल्स ओनली जरूर सिलेक्ट करें, गो टू स्पेशल। अब मैं इसको कॉपी किया, एक नई सीट, अब आपके पास अगर सीट पहले से भी अवेलेबल हो फिर भी एक नई सीट ले उसी में पेस्ट करें, इसका नाम मैं कविता कर देता हूं। अब मुझे इसको मूव करना है एक नई फाइल में, और इस फाइल का नाम हमें कविता रखना है, और इसको क्लोज कर देना है, फिर वापस इस पर सिलेक्ट करके फिल्टर को रिमूव कर देना है, और यहां पे माइक्रो स्टॉप कर दिया, माइक्रो रिकॉर्ड तो कर लिया लेकिन माइक्रो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कुछ कोड ऐसे हैं जो कि दिक्कत करेगा, जैसे कि सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर, मुझे इसको हटाना होगा, और ये रेंज दिख रहा है आपको, हमने फिल्टर जब लगाया था तो A1 क्लिक करके लगा दिया था, तो यहां भी आप A1 क्लिक करके फिल्टर लगा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ले लेता है, A1 सही है, हमने सिलेक्शन कर लिया, अब देखिए स्क्रॉल डाउन किया जिसका आ गया यहां पे, इसको हटा दीजिए, सिलेक्शन में विजुअल से सिलेक्शन कॉपी, सीट ऐड किया, पेस्ट किया, सीट टू डॉट सेलेक्ट, क्योंकि जब भी सीट ऐड ऑन करेंगे जरूरी है कि सीट टू ही हो, इस सीट टू को हटा के मुझे यहां पे एक्टिव सीट करना पड़ेगा, उसके बाद यहां पे ये हटा दीजिए कविता डॉट सिलेक्ट, ये भी हटा दीजिए, ये सही है कविता डॉट मूव, और ए द्वारा डाउनलोड इसको छोड़ दीजिए, हाँ अब आपका परफेक्टली वर्क करेगा।
लेकिन हमेशा कविता का डेटा ही आएगा, तो जहां जहां कविता है वहां वहां आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हमने रिकॉर्ड माइक्रो को रिकॉर्ड किया, कुछ अनवांटेड कोड को रिमूव कर दिया, तो मेरा माइक्रो वर्क करेगा लेकिन हमेशा कविता का ही एक सिंपल का करेगा। तो इसमें अगर कुछ कोड ऐड कर दे, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया n इक्वल टू इनपुट बॉक्स और यहाँ पे हम बोल दिया कि एंटर नेम। इनपुट बॉक्स क्या है चीज को जानिए, इनपुट बॉक्स क्या है, जब भी माइक्रो रन होगा तो नाम पूछेगा, जो नाम आप डालेंगे वो n पे स्टोर कर देगा। अब n क्या है, n एक वेरिएबल है, इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, डेटा टाइप या वेरिएबल। क्या होता है, जैसे मैथमेटिक्स में आप यूज करते हैं तो मैथमेटिक्स में लिखते हैं ना x x y z लेते हैं कि सपोज x इक्वल टू 100 और जहां जहां 100 यूज करना तो आप x की यूज करते हो। सेम उसी तरह से टेम्पररी सेविंग लोकेशन है कि माइक्रो जब रन होगा इनपुट बॉक्स में जो डेटा होगा उस डेटा को n पे स्टोर कर देगा। n क्या हो गया, नाम हो गया। अब मुझे जहां जहां नाम की जरूरत है वहां वहां n डाल देते हैं। n परसेंट वापस n परसेंट इसमें डाल, परफेक्टली वर्क करेगा। अब चलिए एक बार रन करके दिखाता हूं आपको। इस बार मैं पूजा का नाम लेना चाहता हूं, पूजा का रिपोर्ट डेटा चाहिए हमें। हमने माइक्रो को लिया और रन कर दिया और यहां पे हमने पूजा लिखा एंड ओके। तो इनपुट बॉक्स में दिया था कोड, इससे यही आया। इसमें कुछ दिक्कत है, ओ सॉरी, यहां देखिए कविता डॉट मूव, यहां पे एक्टिव सीट डॉट मूव होना चाहिए, कविता बाद में ना होगा, जो सीट ऐड होती है वही एक्टिवेट होती है। अब आप जाके देखेंगे डाउनलोड में, ओनली कविता है यहां पे, पूजा आगे क्या विश्वेश्वर जी बताएंगे आप क्या समझे इससे रिकॉर्डिंग माइक्रो से? जी हाँ, अगर कोई कोड पता नहीं होगा तो इसका यूज कर सकते हो। कोई बड़ा सा कोड लिखना, अब मुझे मान लीजिए कि मैं नहीं करता तो पूरा कोड मुझे लिखना पड़ता ना सर, टाइप करना पड़ता, तो मेरी टाइपिंग स्पीड तो ठीक ठाक है, और हर किसी की टाइपिंग स्पीड ठीक ठाक थोड़ी होती है सर। तो उसके लिए आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे तभी तो। हमने आपको क्या बताया था कि दो यूजर हैं, एक है लर्निंग पीरियड में और दूसरा आप सीख लेंगे उसके बाद भी। जैसे मैं तो मेरे जगह पर आने के लिए तो आपको सीखना पड़ेगा ना सर, लेकिन मैंने जैसे आपको स्कोप बताया है, इसका स्कोप इस तरह से भी है। और दूसरा कौन चीज हटाना है कौन चीज नहीं हटाना है तो आपको सोचना होगा एक्सेल की तरह। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, मैं चार्ट हटा दिया है, ठीक है क्या? अब देखिए यहाँ पे एक चीज और था, यहाँ पे नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ था सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये था सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर, तो मैं इसको हटाया था। क्यों हटाया था? अब आपको इसके लिए सोचना होगा एक्सेल की तरह। सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर ने यहां पे फिल्टर लगा दिया ना सर। अब वापस नीचे वाले लाइन में देखिए फिल्टर लग रही है। आप क्या लग रहा है कि दो बार फिल्टर लगाते हैं तो क्या होता है, एक बार अप्लाई होता है, एक अप्लाई डिसअप्लाई हो जाता है। मैं आपको अगर यहां फिल्टर लगा हुआ है और वापस यहां फिल्टर लगेगा तो ये डिसअप्लाई हो जाएगा ना, लेकिन जरूरत किसकी है, जरूरत तो इसकी है ना सर।
देता हूं, समझे। ऑटो फिल्टर यहां पर रेंज डाला हुआ था, रेंज पूरा रेंज डाला हुआ था डेटा का, हमने रेंज डिलीट कर दिया था। हमें पता है कि हम फिल्टर अप्लाई करते हैं तो हर बार डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डेटा का पूरा है तो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट A1 पे डाल के फिल्टर लगा देते हैं। सर यहां पूरा रेंज रखने से क्या हो जाता है, बाउंडेशन हो जाता है। हाँ मतलब कि A1 B1 जो भी सिलेक्ट है उसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक रन ले रहे हैं, यहाँ पे तो पूरा एड्रेस ना था, A1 से लेके J3001 था ना, तो इसको हमने डिलीट कर दिया था। अब यहाँ पे A1 डॉट सिलेक्ट सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल टू राइट एंड डाउन, मतलब कि हमने यहाँ पे आया था इस तरह से आया था, एक कोड है तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्क्रॉल किया हमने, मतलब कि जो स्क्रॉल करते हैं ना, स्क्रॉल करते हैं उसका कोड है, तो स्क्रॉल का कोड रखने की जरूरत है नहीं है, इसको डिलीट कर दिया। फिर आता है ये आपका स्पेशल का है, ये आपका कॉपी का है, ये आपका सीट को ऐड किया है, फिर इसमें पेस्ट किया है। अब यहां देखिए सीट डॉट टू, तो आपको ये सोचना होगा कि हर बार सीट जब ऐड होगा तो सीट टू ऐड थोड़ी होगा, लेकिन सीट थ्री सीट फोर सीट फाइव होगा, लेकिन कोड तो फिक्स हो गया सीट टू से। और दूसरी चीज, जब सीट यहां ऐड हो रही है तो जो ऐड हो रही है वही एक्टिवेट है, तो वापस उस सीट पे जाने की जरूरत क्या है। अब यहां पे सीट डॉट नेम कविता है, सीट टू तो फिक्स है, अब क्या नाम डालें, तो हमने ऊपर देखा कि एक्टिव सीट डॉट पेस्ट है, पेस्ट हो सकती है तो रिनेम भी हो सकता है, हमने चेंज कर दिया क्या, यहां भी हमने चेंज कर दिया। कट कॉपी मोड फॉल्स है, मतलब कि एस्केप मारा है हमने, कविता को मूव किया है और ये डायरेक्टली आया है, तो इसकी भी डायरेक्टली की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑलरेडी यहाँ रखा हुआ है, समझे। बाकी और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या लगा इसमें, कोई ऐसा लगा कि इसमें कोड आना चाहिए, हम सिंपली पढ़ा और डिलीट कर दिया। आप भी इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोड को अच्छी तरह की जानकारी होने की जरूरत नहीं, इसलिए तो इसको हम लर्नर सपोर्ट के तौर पे जानते हैं, रिकॉर्डिंग मैक्रो। क्या बोलना है साहू जी, और इसमें थोड़ा सा डायनेमिक कर देंगे तो पूरी तरह से हो जाएगा, इसमें इनपुट बॉक्स वगैरह लगा देंगे और जहां जहां कविता है वहां डाल देंगे और सब कर देंगे, तो एक तरह से मैक्रो हमारा बन जाएगा। अब बात आती है कि माइक्रो हमने बनाया तो उसको रन कैसे करें, तो रन करने का तरीका है कि माइक्रो लिस्ट में जाए, यहां से रन कर दे। उसके अलावा आप माइक्रो लिस्ट में ही आप ऑप्शन पे जाके इसकी शॉर्टकट बना दे, जैसे मैं कंट्रोल क्यू कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, तो अब कंट्रोल शिफ्ट क्यू रन करने से मेरा माइक्रो रन हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप चाहो तो यहां बटन, जैसे बटन लिया आपने, बटन को ड्रैग कीजिए और जैसे ड्रैग, क्या बोला, माइक्रो टू को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो बटन से रन हो जाएगा। आप बोलते हैं कि नहीं मेरा कोई ग्राफिक्स है, जैसे कि मेरा कोई पिक्चर्स वगैरह है या फिर सैप या आइकन वगैरह है, मैं उससे रन करना चाहता हूं, जैसे कि मैंने इसको ड्रैग कर दिया यहां पे इस तरह का, तो इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए एंड असाइन माइक्रो कर दीजिए और यहां माइक्रो पर रन कर दीजिए। अब आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब जैसे कि आपको मैं रिकॉर्डिंग माइक्रो समझाया, अब आपको क्या कीजिए कि आपके मेनू बार में जितने भी मेनू बार हैं उसमें से आपके हर एक का कोड रजिस्टर पे लिखिए कि क्या चीज करने का क्या कोड होता है, मतलब कि न्यू फाइल लेने का कोड क्या होता है, फाइल को ओपन करने का कोड क्या होता है, सेव सेवेज करने का कोड क्या होता है, प्रिंट करने का कोड क्या होता है, कॉपी करने का कोड क्या होता है, पेस्ट करने का कोड क्या होता है, बोल अंडरलाइन करने का कोड क्या होता है, ये सारा आपका रिकॉर्डिंग मैक्रो से मिल जाए। और जहां पे कंफ्यूजन होती है आप क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपको वीवीए कंसेप्ट सिखाऊंगा तो बेटर रहेगा। जैसे कि आप इंग्लिश सीखने जाते थे तो वर्ड मीनिंग तो आपको खुद से याद करना पड़ता था ना, टीचर तो आपको ग्रामर और ग्रामकली जो चीजें होती थी, जो ट्रिक्स होते थे वो बताते थे ना,
अब आपको टीचर तो ही बोलता था कि ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, वो तो आपको खुद से याद करना होता था ना। हमने तो ऐसे भी किया है, हमें वर्ड मीनिंग डिक्शनरी मिल जाती थी और डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग याद करते थे। या फिर हमारे सर क्या करते थे कि जो मोस्टली यूज होने वाले जो वर्ड थे उसका हिंदी इंग्लिश मीनिंग देते थे, हम उस पर टा मार लेते थे, वो मारना जरूरी होता था क्योंकि शब्द से ही सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैराग्राफ और पैराग्राफ से फिर पेज, पेज से बुक, राइट सर। तो ये आप कुछ तरह से वर्ड मीनिंग समझ लीजिए, क्योंकि वीवीए को आप एक लैंग्वेज की तरह सीखे, जैसे इंग्लिश आपने सीखा था, आपने हिंदी सिखाया और भी जो लैंग्वेज आपने सीखे होंगे उसकी तरह से। ये वर्ड मीनिंग है कि किस ऑप्शन का क्या कोड है, फिर उस ऑप्शन को कैसे इंप्लीमेंट करना है ये हम आपको बताएंगे, राइट। और आपने इस कोड, इस एक माइक्रो एग्जांपल से आपने देख ही लिया कि सारा वही है कि किसी डेटा को किसी भी रेंज पे को सिलेक्ट करने का कोड क्या है, किसी रेंज पे फिल्टर लगाने का कोड क्या है, किसी को सिलेक्ट करने का कोड क्या है, किसी को सिर्फ विजुअल से सिलेक्ट करने का कोड क्या है, कॉपी करने का कोड क्या है, सीट ऐड करने का कोड क्या है, पेस्ट करने का कोड क्या है, रिनेम कैसे करेंगे, ये ना सर, ये सारी चीजें से मिल रही है। तो आप कर लेंगे तो बाकी जो हमारा टाइमिंग है वो हम बीवीए कंसेप्ट, डायनेमिक और बाकी जो चीजें हैं जो कि रिकॉर्डिंग से नहीं मिल सकती उस पर ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए आपको बोल्ड करना है, राइट, तो आप क्या करेंगे, उतना ही यूज करेंगे जितना आपको चाहिए, ठीक है ना। तो आप रिकॉर्डिंग को पहले रन करें और बोल्ड पे क्लिक करें, फिर रिकॉर्डिंग को स्टॉप, उसके बाद कोड में जाइएगा, एक नया माइक्रो ऐड हो गया, सिलेक्शन फॉन्ट बोल्ड ट्रू। अब सिलेक्शन के जगह पे रेंज A1 भी हो सकता है, B1 C1 हो सकता है, या सिलेक्शन हो सकता है, या एक्टिव सेल हो सकता है, इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशन कब कब होगी यही चीज हम आपको पढ़ाएंगे, बट बोल्ड करना तो आ गया ना सर कि फॉन्ट डॉट बोल्ड, ठीक है प्रवीण जी। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय।